अस्सलाम वालेकुम। हमने नास कंट्रोल पैनल में से ये मशीन ख़रीदा, ये पूरा प्लांट। हमें ये मशीन ख़रीदने से पहले हमने बहुत सारे प्लांट देखे थे कई जगह पर जाकर, लेकिन हमें आखिर में ये प्लांट बहुत पसंद आया। चैनल नाच कंट्रोल पैनल की ओर से आज हम लोग आए थे मुजाहिद भाई के वहाँ पे, जो हमारा कालेडा में जो मशीन यूज़ कर रहे थे, और उनके पास 20 BPM मशीन था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने बहुत बड़ा भी प्लांट लगा दिया है, शायद 60 BPM के आसपास लगा है। कैसे हो मुजाहिद भाई? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? कैसा रहा सर हमारा, आपको जो हमारी कंपनी से जो मशीन लिया था सर्विस रिलेटेड, या यानी कहने का मतलब कि जो आपने, अब तकरीबन एक साल पूरा हो जाएगा, एक साल जैसा पूरा हो जाएगा, तो जो आपको मैंने पहले गाइडलाइन दिया था उस हिसाब से आज आप कौन से स्टेज पे यानी पहुंच गए अभी तक? अभी तो अपने हम लोगों ने ये 60 BPM का प्लांट लगा दिया। 60 BPM का लगा दिया, के पास से 20 BPM का प्लांट लिया था। बराबर, सीधा 20 से 60 पे ही लगा दिया। 60 लगा दिया। बराबर बराबर। और आपका यानी कहने का मतलब ये जो सोडा का बिजनेस है अब, तो उसमें यानी क्लाइंट को उसके अंदर काम करना चाहिए या नहीं करना? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। उसका कुछ रीजन बता सकते हो कि इसमें प्रॉफिट है लॉस है, या तो यानी कोई गाइडलाइन ऐसी बता सकते हो कि हमारे कस्टमर जान सके? कि कस्टमर रिव्यू बहुत सारे लेते हैं लोग मशीनरी का, भाई हमारा मशीन कैसा चलता है। मैं आज वो पूछने नहीं आया आपको कि भाई ये पूछना है कि ये जो बिजनेस है सॉफ्ट ड्रिंक का, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां है, तो बड़ी कंपनी में अगर अपन नए से स्टार्ट करते हैं तो वो प्लांट पहले तो लेना कैसे चाहिए, यानी सिलेक्शन कैसा करना चाहिए कि भाई मैनुअल में कि ऑटो में, या कैसा सिलेक्शन रहना चाहिए, या फिर जो प्लांट अपन कर रहे तो उसके हिसाब से कहने का मतलब कि ये जो 200 ml की बोतल बनाओ, या 600 या 1.25 लीटर या 2.25 लीटर तक, तो प्लांट बनाने का मेरा कहने का मतलब कि ये प्लांट में प्रॉफिटेबिलिटी कब देखने को मिलती है, यानी प्रॉफिट कब उसको देखने को मिलता है क्लाइंट को, और कहने का मतलब है कि ये प्लांट चालू और टिके रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मार्केट में। जैसे आप एक साल हो गया है आपका, तो एक साल तक के अंदर जैसे मान लो कि आपने बहुत सारी चीजें फेस की होगी कि भाई कभी बोतल आपको टाइम पे नहीं मिली होगी, कभी कैप नहीं मिली होगी, यानी बहुत सारी, मान लो मार्केट में माल आपका सही नहीं लगा होगा किसी को, तो क्या क्या चीजें उसमें फेस आती है और उसको हैंडल कैसे कैसे करना चाहिए? हैंडल तो करना ही चाहिए। उसमें कैसा है कि कोई भी कारोबार हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बराबर उसमें क्या है, कोई भी सिस्टम से काम करेंगे तो वो उसका प्रॉफिट अपने को मिलने ही वाला है। बराबर, हर काम में सिस्टम होनी जरूरी है। बराबर, हम लोगों ने बहुत सी जगह पे प्लांट लेना था, उससे पहले बहुत सी जगह पे हम लोगों ने गए थे, तलाश किया था, लेकिन वो 2-3 जगहों पर हम लोगों ने देखा, उसके बाद फिर आखिर में हम आपके पास आए थे मटवा के अंदर, फिर आकर के हमको अच्छा रहा। तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट टाइम वो प्लांट आपने परचेज किया, तो उस टाइम पे तो आपको मार्केट का कंपटीशन भी नड़ा होगा ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपका तो ऑलरेडी यानी आपने चालू किया तो ऑलरेडी आपका प्लांट तो गुजरात में ही है, तो गुजरात के अंदर तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारा, यानी इवन आपके एरिया में भी बहुत सारे प्लांट होंगे। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि आपका माल आप लेके गए और दुकान वालों ने खरीदना नहीं किया? हो सकता नहीं है। तो उसका यानी कहने का मतलब कि आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके वजह से आपको ब्रांच का क्वालिटी दी और अच्छी मेहनत लगी है उसके लिए, यानी बहुत मेहनत लगी, मेहनत भी आपने उसके हिसाब से चालू की। और दूसरा चीज, अच्छा इसके अंदर मान लो कि कितने परसेंट का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट रहता होगा? मान लो आज किसी ने प्लांट लगा दिया, तो मान लो कोई ने, मेरे पास 3 मॉडल है, तो समझो कि 600 बोतल वाला लिया या 1200, आपके पास 1200 यानी 20 BPM का मशीन था, तो जो प्लांट लगाते हो तो उसमें प्रॉफिट कितने परसेंट का रहता है? प्रॉफिट में तो कैसा आएगा, अपनी जैसी कॉस्टिंग जिस हिसाब से अपने माइनस करते हैं वो हिसाब से प्रॉफिट रहता है। फिर भी मैक्सिमम अपने समझ तो पर बॉक्स पे कम से कम 20 रुपये, शायद जितने भी खर्चे अपने सब खर्चे निकाल के भी 20 रुपये तो बचता है अपना। बराबर, तो लेकिन वो बचाने के लिए ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि मैनुअल प्लांट लिया हो तो वो बचेंगे? नहीं, मैनुअल में तो इतना नहीं है, जिसमें ऑटो में जाएंगे अपने, जिस तरीके से आपके पास से हम लोगों ने 20 BPM का प्लांट लिया ऑटो में, तो उसमें क्या है, मैनुअल में एक रहता है कि भी वो लेबर पे डिपेंड करता है कि लेबर कितनी स्पीड से काम करता है, वो स्पीड से वो हिसाब से प्रोडक्शन मिलता है अपने को। और अपने वही जो अपने पास 20 BPM का प्लांट हम लोगों ने लिया था आपके पास से, उसमें कैसा है कि फिर वो मशीन स्टार्ट किया तो वो हिसाब से वो एग्जिट करना शुरू कर देगा, माल प्रोडक्शन दे देगा। यानी जो एक बार आपने वॉश करा बोतल को, डाला कन्वेयर में, तो उसके बाद फिलिंग कैपिंग ऑटोमेट होकर बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो क्या वो बंदे को लेबर को वो हिसाब से तैयारी में रहना पड़ता है। बराबर, तो यानी उसको बताना नहीं पड़ता है कि भाई अब के बाद तू नेक्स्ट काम ये करे, या बटन दबा या सिरप पर, या स्पीड से माल देता है ये, तो उसको खाली पैकिंग ही करना, पैकिंग करना पड़ता है। बराबर बराबर। और दूसरा चीज, जैसे ये तो ऑटोमेटिक लाइन का हो गया, तो अभी समझो के मान लो अभी आपके 500 पेटी निकल रहे हैं, जो मशीन का कैपेसिटी है मान लो 500, तो आपने स्टार्टिंग किया तो कितने बॉक्सेस पर डे का सेलिंग रहता था? स्टार्टिंग के अंदर तो हमारा सेलिंग बहुत कम था,
फिर हम लोग समझ लो रोज के 100 बॉक्स 200 बॉक्स ज्यादा से ज्यादा जितना बनाते हैं। यानी इन शॉर्ट एक बात क्लियर है कि ये प्लांट चाहे मैन्युअल लो या ऑटो 100-150 बॉक्स से नीचे गए सेलिंग में तो मार्केट में टिक नहीं पाए। यानी इन शॉर्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड के ये बिजनेस करने के अंदर मैं हर क्लाइंट के साथ ये चीज शेयर करता हूँ कि अगर आप प्लांट ले रहे हो चाहे मेरे से लो या कहीं से भी, अगर 100-150 बॉक्स अगर आप नहीं बना रहे हो तो फिर आपका ये मार्केट ये बिजनेस करने का शायद कोई फायदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं फिर 40-50 पेटी मतलब या जैसे आप देखते हैं कि भाई 4-5 दुकान में दे दिया या थोड़े बहुत गल्ले गले में दे दिया आपने, तो वो चीज इस तरह से करने से तो आपका प्रॉफिट नहीं, जितना आपने पैसा लगाया वो भी शायद खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सोचा था कि भाई प्लांट के अंदर अपनों ने 20 BPM का प्लांट लगा है, रोज का प्रोडक्शन 400-500 बॉक्स तक होना चाहिए। हाँ। हमारा 100 बॉक्स निकल रहा था, फिर हम लोगों ने मेहनत बढ़ाई मार्केट के अंदर। बराबर। तो फिर हम लोगों को ऐसा करना पड़ा कि डे नाइट प्लांट चालू करना पड़ा, उसके बाद डे नाइट प्लांट चालू करना पड़ा। इसमें कैसा है फ्रेंड्स के जैसे अगर आप मेहनत तो सब करते हैं, सर ने भी बहुत मेहनत की बराबर कहने का मतलब, लेकिन अगर मान लो 100 बॉक्स से अगर नीचे आप गए तो उसके अंदर फिक्स है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे आप मशीनरी नाजमे से खरीदो या कहीं से भी खरीदो 100 बॉक्स। यानी इवन आपको इन शॉर्ट आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि प्लांट का टारगेट अगर ऊंचा रहा तो ही अपने को बेनिफिट रहेगा। यानी अभी से आपको माइंड सेट करना है कि आप 200 बॉक्स टारगेट करोगे तब 100 बॉक्स लेके जाओ। तो आपका ये जैसे आप दुकान पे लेके गए तो ऐसा मान लो कि प्राइसिंग में भी बहुत ज्यादा चेंजेस है मार्केट के हिसाब से, तो आपने क्या अपना प्राइस डाउन करके ही रख छोड़ा था या आपका एक स्टेबल मार्केट में पहले से एक स्टैंडर्ड प्राइस ही रख ही दिया था? नहीं, प्राइस हम लोगों ने प्राइस कम नहीं किया था, हम लोगों ने वो क्वालिटी ऐसी प्रोवाइड करी और कस्टमर को इतनी सर्विस दी और कस्टमर को उसका जहन बनाया, वो हिसाब से हमको उतना मार्केट फास्ट कवर हुआ। यानी कहने का मतलब आप ये सब बोल रहे हैं जैसे कस्टमर को अगर अच्छी सर्विस दी, सर्विस सबसे तो, यानी समझो कि कोई बोतल में मान लो गैस कम हो गया तो उसको आपका रिप्लेसमेंट दिया या आपका कभी बोतल खराब हो गया, लीकेज हो गया, कोई भी रीजन है, यानी समझो कि कहीं पे भी प्लांट है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मशीनरी है तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि देखो आज ये 20 BPM से 60 BPM है तो 60 BPM का प्लांट लेने के बाद भी कहीं ना कहीं तो मशीनरी में प्रॉब्लम हर किसी के रहती है। यानी कोई ऐसा बंदा है ही नहीं कि जिसका मशीन इवन कम्प्लीटली परफेक्ट चलता हो, सही बात है ना? नहीं, फिर भी बहुत सी कंपनियों के अंदर जो हम लोगों के जो दोस्त वगैरह जो प्लांट लाए बराबर उनसे तो हमारा बहुत ज्यादा बेहतर था, कि वो कभी हम लोगों को मशीन हैरान नहीं किया, फिर भी हम लोग तो डे नाइट प्लांट चला देते बराबर, बहुत स्पीड से हम लोगों ने मशीन चलाया। यानी इन शॉर्ट आपने सीजन में पैसा वसूल कर लिया। बिल्कुल कर लिया। तो जैसा फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कस्टमर को सर्विस, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है हमेशा आप उस पर ध्यान दीजिए, मशीनरी सिलेक्शन भी करिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैनुअल प्लांट भी गलत है, वो बहुत कम प्रोडक्शन देते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया कि भाई मैनुअल प्लांट में अगर 100 पेटी अगर बोल रहे उसमें चिलिंग का बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती, इवन सर को भी हमारे मशीन में भी वो डे नाइट चलाते थे तो चिलर का प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि जो मशीन की डिजाइन है उससे फास्ट आप चलाओगे तो चिलिंग का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर भी मेरा 600 लीटर का चिलर था, फिर भी आपका पानी इतना गर्म हो जाता था, यानी क्योंकि प्रोडक्शन आप ज्यादा ले रहे थे, तो हाईएस्ट कितने टेम्परेचर तक आपने फिलिंग किया? हाईएस्ट हम लोगों ने समझ लो कि उसके अंदर अलग अलग रहता था, कितना टेम्परेचर, यानी जो मेन टैंक थी 600 लीटर की, कितना हाईएस्ट कितने टेम्परेचर तक आपने फिलिंग किया? आखिर में सीजन के अंदर 10-10 तक भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया हुआ है। देखो जैसे मैं 10 डिग्री यानी एक लेवल के बाहर चला गया, यानी एक लिमिट से बाहर, फिर भी यानी मार्केट में सर ने माल निकाल दिया, बेच भी दिया, वो भी बड़ी बात है 10 डिग्री वाला माल, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई वाला माल जल्दी निकलता भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अपना मार्केट उससे टूटता है। हाँ, लेकिन सीजन के अंदर इतनी डिमांड के हिसाब से, यानी उसमें क्या है ज्यादा दिन माल रुकता भी नहीं है, मगर इतने टेम्परेचर पे दुकान वालों के पास पड़ा रहता है ना कस्टमर के पास। हाँ, यानी ज्यादा दिन पड़ा रहेगा तो इश्यू आएगा, सीजन में चलता है, लेकिन फिर भी जैसे बोल रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी हो गया तो कोई प्रॉफिट भी, सर ने 10 डिग्री तक का भी फिलिंग कर दिया। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जब भी आप कोई जगह से मशीन लो तो कहने का है आपकी प्रोडक्ट पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि आप मशीन वालों के वीडियो देख देख के कंफ्यूज होते रहोगे इसका अच्छा है इसका, आपको जहां से दिल करे वहां से बाय करो और आपका वर्क स्टार्ट करिए। तो मुजाहिद भाई मेरी कंपनी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे छेले लास्ट में मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई हमारी कंपनी से मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? कि आपकी सर्विस इतनी फास्ट हम लोगों को मिली है सीजन के अंदर, हम लोगों को इतनी सर्विस आपने दी है, जब भी फोन किया आपने फोन रिसीव किया स्पीड के साथ, आपने सर्विस दी, आप
आप बिजी होते थे, कोई ना कोई बंदे को आप बेच देते थे, लेकिन हम लोगों का काम कभी रुका नहीं था आपकी वजह से। वो सबसे बड़ी वो है, यानी सबसे जरूरी चीज वही है, क्योंकि सर्विस मैन इम्पोर्टेंट है। मान लो अगर कुछ खराब भी हो गया या कुछ भी, अगर मैं नहीं आया तो कुछ पार्ट्स भी चाहिए तो भेजना जरूरी है। जी जी जी। और दूसरा चीज, पहले से लेके आज तक आप जब पहले स्टार्ट किया था, जब तो आपके पास फ्लेवर का नॉलेज नहीं था, यानी किसी चीज का नॉलेज नहीं था, खाली आपका टारगेट था कि मुझे प्लांट करना है, मुझे प्लांट करना। तो जब भी मैंने आपको जो फ्लेवर का नॉलेज दिया, अभी तो आप जाके अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग फ्लेवर्स आप खुद भी डेवलप कर रहे हो, कहने का मतलब। लेकिन वो फ्लेवर जो दिए थे उसमें कोई क्वेरी आई अभी तक आपको? नहीं। उसमें और उसमें ऐसा कभी आपने सुना कि भाई जो फ्लेवर सप्लायर का मैंने आपको कॉन्टेक्ट दिया था, उसमें कभी उन्होंने बोला कि नहीं भाई फहीम भाई के तरफ से ही आपको डील होगी, या कि आपने डायरेक्ट ही डील किया? नहीं, नहीं, हम लोगों ने भी डायरेक्ट भी किया हुआ है, डायरेक्ट ही हमें कांटेक्ट बताया था, फिर हम लोगों ने फिर डील कर। उसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई मशीन वाले का इन्वॉल्वमेंट था? बराबर, जैसे कैप्स में, लेबल में, हर चीज में, यानी ज्यादातर कंपनीज में ऐसा ही हो रहा है कि आप फ्लेवर भी हमारा यूज करो हर चीज, यानी नाज में ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि हमारे कंपनी में हम लोग जो दे देते नंबर प्रोवाइड करते आपको, वहां पे ले लेना है। अगर दो तीन कंपनी का देते, जिस कंपनी का आपको सूटेबल लगे आप उस कंपनी से मान लो, क्योंकि कोई भी मशीन बनाने वाली कंपनी फ्लेवर कभी नहीं बनाती है। नहीं बनाती, सही बात है ना? नहीं, नहीं बनाती, क्योंकि कोई भी मशीन बनाने वाली कंपनी फ्लेवर नहीं बना सकती, क्योंकि वो काम केमिस्ट का है, केमिस्टर का है, क्योंकि वो केमिस्ट ही उसको फ्लेवर बना सकता है। ऐसा ना हो कि फ्लेवर के चक्कर में आप मशीन बुक कर दो और बाद में आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो कहने का मतलब आप हमारी कंपनी पे भी आइए, विजिट कीजिए, हमारे कस्टमर के अब सारे रिव्यू भी हम लोग डाल रहे हैं। मुजाहिद भाई ने शायद एक साल हो गया, एक साल पहले मैंने इनका वीडियो भी डाला हुआ था, और एक साल के बाद उनका कस्टमर रिव्यू भी लेना है, और अब नेक्स्ट सीजन में अभी ये बोल भी रहे एक और प्लांट लगाने के लिए फाइनल भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं एक साल पुराना ही कस्टमर है हमारे, ऑलरेडी 60 बीपीएम का है, एक 20 बीपीएम और एक और लगा रहे हैं 20 बीपीएम, यानी बिजनेस में प्रॉफिट है। 40 लगाना है, 40 लगा रहे हैं, 30 बीपीएम जो अभी हमारा नया मॉडल बना रहे हैं हम लोग 30-35 बीपीएम का, उसके अंदर ये सर 30-35 बीपीएम का लगाएंगे, और वो वीडियो भी मैं डालूंगा। तो सर आपकी ब्रांड नेम क्या है सर? दानत बेवरेजेस के नाम, दानत बेवरेजेस के नाम से। और कौन सी जगह पे अभी आपका? अभी ये छापी के अंदर हम लोगों ने, छापी के अंदर, और पहले कालेडा के अंदर था। पहले जो प्लांट है, जो मेरा प्लांट लगा हुआ है ऑलरेडी कालेडा के अंदर लगा हुआ है, इनका ये नया प्लांट है वो छापी के अंदर लगा है, और शायद अब नया लोगे वो भी यहीं पे लगा, वो भी छापी के अंदर ही लगेगा। और आप नीचे दिए गए नंबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।